नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग चुनावों में ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के 5 नवंबर को वोटिंग होगी, विजेता का नाम जानने के लिए करना पड़ेगा कई दिनों का इंतजार। जी हां दोस्तों, इसके पीछे की भी वजह है, क्योंकि अमेरिका में वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होती है, ईवीएम के जरिए नहीं। जैसे ही वोटिंग संपन्न हुई, उसके कुछ ही घंटों के अंदर यहां पर वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाती है, जो कि कई दिनों तक यहां पर वोटों की गिनती चलती है, क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए यहां पर वोटिंग होती है और वोटिंग के तुरंत बाद ही वोटों की गिनती होती है। इसलिए यहां पर बैलेट जो पेपर होते हैं उसके साथ में गड़बड़ी की भी आशंका काफी कम हो जाती है। दरअसल दोस्तों बताते चले कि हैकिंग के डर से ईवीएम अमेरिका ने छोड़ दी है। इस पर सोशल मीडिया के एक यूजर ने तंज कसा और कहा कि हैकिंग के डर से अमेरिका ने ईवीएम बैन कर दिया है, भारत विश्वगुरु है, यहां पर ईवीएम हैक नहीं हो सकती। एक अन्य यूजर ने पूरे मामले पर कहा कि दुनिया में सभी देशों की ईवीएम हैक हो सकती है, सिर्फ भारत की ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। एक अन्य यूजर ने यहां पर दोस्तों ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, और वहीं दुनिया के सबसे अमीर और हजारों वैज्ञानिकों को अपना नौकर रखने वाले एलन मस्क का कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपार ज्ञान रखते हैं एलन मस्क, वे यहां पर दावा करते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आप लोग ही बताइए कि आपको किसकी बात में दम लगता है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, अमेरिका का चुनाव भारत से पूरी तरह से दोस्तों अलग होता है, ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है। दोस्तों अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट की तरफ दोस्तों चलते हैं। खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर के, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल यानी कि 5 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों बताते चले, इससे पहले राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर पहुंचे और बहन प्रियंका गांधी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार भी राहुल गांधी ने किया और प्रियंका गांधी को जिताने की अपील वायनाड की जनता से की। और अब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर जाएंगे, उसके बाद में राहुल गांधी का महाराष्ट्र का दौरा प्रस्तावित है, जहां पर वो गारंटी पत्र जारी करेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ में, जिसके बाद में राहुल गांधी का झारखंड का भी दौरा प्रस्तावित है, जहां पर राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए भी नजर आएंगे। दोस्तों इसके साथ ही एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं, अपडेट आ रही है सामने निकल के, जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज है, अब्दुल रहीम राठेर का यहां पर स्पीकर बनना तय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोस्तों राज्य के अंदर सरकार बन चुकी है कांग्रेस के गठबंधन के साथ में, और आज यहां पर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो रहा है, और खबर आ रही है कि अब्दुल रहीम राठेर का स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, काफी भारी दबाव के बाद आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना पड़ गया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की मांग के आगे चुनाव आयोग झुका है, कई महीनों की मांग को यहां पर पूरा किया है। कुछ खबर ही ऐसी आ रही है महाराष्ट्र से, चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला के तत्काल ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, जो डीजीपी रश्मि शुक्ला है उन पर लगातार एमबीए आरोप लगा रहा था कि ये बीजेपी के पक्ष लेती हैं और उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करती हैं, इसलिए इनके डीजीपी रहते हुए राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग की काफी किरकिरी हुई, तब जाकर के यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है डीजीपी का। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को उनका प्रभार कैडर के अगले वरिष्ठतम अधिकारी को सौंपने और यहां पर आज 3 अधिकारियों का एक पैनल भेजने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों
चुनाव आयोग की तरफ से कुल मिलाकर के कहा जाए भाजपा की मांग को तो तुरंत ही यहां पर पूरा कर देता है चुनाव आयोग, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की मांगे होती हैं चुनाव आयोग कई महीनों तक लटकाए रहता है। जब मामला सोशल मीडिया पर आता है, किरकिरी होती है चुनाव आयोग की, तब जाकर के कहीं कार्रवाई देखने को मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है भाजपा की अब और भी चौतरफा मुश्किलें महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बढ़ चुकी हैं। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज चरांगे पाटिल ने घोषणा की है कि उनके समर्थक चुनाव लड़ने की जगह बीजेपी को हराने का काम करेंगे। दरअसल दोस्तों मनोज चरांगे नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, सब भी यहां पर 25 सीटों से नामांकन वापस ले लेंगे, ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है। भाजपा को हराना पहला मकसद है ये ऐलान किया गया है मनोज चरांगे पाटिल की तरफ से, और इसका सीधा फायदा दोस्तों एमबीए को ही होगा, महागठबंधन को होगा। महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की चौतरफा मुश्किलें अब और भी बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों यूपी में भी उपचुनाव हो रहा है, यहां पर खबर आ रही है कि जो सरकारी मशीनरी है उसका खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, अधिकारी लगातार भाजपा को मदद पहुंचाने वाले कार्य करते हुए जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सपा के महासचिव शिवपाल यादव भड़क गए हैं अधिकारियों पर और राज्य सरकार पर। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले गलती मिलने पर अफसरों के नाम नोट कर लें कार्यकर्ता, अधिकारी गड़बड़ी करें तो तुरंत नाम नोट कर लें, सरकार आने पर इनसे निपटा जाएगा। अधिकारियों ने पारदर्शिता के साथ नौकरी की शपथ ली थी, अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग दें, अन्यथा कल को सरकार बदलेगी तो भुगतना अधिकारियों को ही पड़ेगा। ये साफ तौर पर शिवपाल यादव ने दोस्तों चेतावनी दे दी है उन अधिकारियों को जो राज्य सरकार को मदद पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि उन अधिकारियों के नाम नोट कर लें जो यहां पर चुनाव में गड़बड़ी करते हैं या सरकार की मदद करते हैं भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। ये अपडेट है दोस्तों, अगली खबर बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के CGIDY चंद्रचूड़ की तरफ से। आप लोगों को बताते चले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की एक सिफारिश अब तक सरकार ने नहीं मानी, अब होने जा रहे हैं रिटायर CGI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हुए भेजे गए नामों पर कोई भी प्रगति अब तक नहीं हुई है, और अब खबर आ रही है कि सभी संबंधित फाइलें अभी भी सरकार के पास में लंबित हैं। यहां पर कई जजों को यहां पर देख सकते हैं कि सिफारिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से, लेकिन सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, CGIDY चंद्रचूड़ रिटायर होने से पहले यहां पर 5 बड़े मुकदमे जिन पर इस हफ्ते यहां पर फैसला आ सकता है, और सुनवाई भी CGI ने ही की है। रिटायर होने से पहले यहां पर ये ताबड़तोड़ बड़े फैसले भी सामने निकल के CGI की तरफ से आ सकते हैं। दोस्तों इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।